बरेली के बहेड़ी में सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों से होती है बदसलूकी। डॉक्टर अस्पताल के बजाय बाहर के मेडिकल स्टोर के लिखते हैं दवा। दरअसल इन दिनों में बदलते मौसम के साथ अनेक प्रकार की बीमारी फैल रही है, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित योजना चलाती रहती है। वहीं बहेड़ी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व अन्य स्टाफ के लोग सरकारी योजनाओं पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अस्पताल में दवाएं नहीं होने के कारण आज बहेड़ी व्यापार मंडल ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का घेराव किया व अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों के साथ स्टाफ वाले बदतमीजी करते हैं और बगैर सुविधा शुल्क लिए ना तो जांच करते हैं और ना ही एक्सरे करते हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगकर दवा लेना पड़ता है। व्यापार मंडल ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देखकर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। बाद में सीएमओ बरेली से फोन पर व्यापार मंडल के लोगों ने बात की, जिस पर सीएमओ ने 20 सितंबर तक की मोहलत मांगी कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जिसके बाद व्यापार मंडल के लोगों ने एक ज्ञापन सीएमओ के नाम सीएचसी प्रभारी जेपी मौर्य को सौंपा। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मुहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? मैं अपनी माँ की आंखों की दवाई लेने आया था। मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया कहाँ, तो मैंने उनका नंबर लगाया। डॉक्टर साहब मुझसे बोला, साले तुझे नंबर कहाँ से मिला बताओ? कुछ ही होता है। डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं, इस वाले कमरे में बैठते हैं डॉक्टर साहब, वो आंखों की दवाई देते हैं। तो मैं चौथी बार पांचवी बार आ जाया। गाली दे रहे थे आपको? हाँ, वो बोले फोन पे, साले तुझे नंबर कहाँ से मिला मेरा, जे बताओ तुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो डॉक्टर साहब से और पूछा, बोले छुट्टी आज नहीं आएंगे, 8 दिन बाद आएंगे। तो 8 दिन के बाद आज भी आऊँ, आज भी नहीं है डॉक्टर साहब। दवाई नहीं मिल सकी आपको? दवाई यहाँ नहीं मिलती है। मतलब डेट अब किया है एक हफ्ते के बाद? इतने बुरे हालात चल रहे हैं, आप एक बात बताओ, नसबंदी जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसको गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, उसका टीका आप